तो फाइनल गाइस, फाइनल यार कैरम पुल का वीडियो लेके आ चुके भी आफ्टर लॉन्ग टाइम, 10 दिन हो चुके यार, ठीक है ना। आप लोगों को पता है एक गेम भी मैं प्ले कर रहा हूँ कैरम क्लैश, वो भी बहुत मज़ा आ रहा है उसमें गेम प्ले करने में। और भी कैरम पुल को कैसे छोड़ सकते भी, इसको भी गेम प्ले डालना होगा ना अपने को। तो यहाँ पे क्या करते गाइस, आप लोगों को पता है न्यू इवेंट्स आया भी, न्यू रिवॉर्ड्स इसके अंदर ऑप्शन आए पक्स के, इसके उसके, ठीक है ना। वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों को तो वैसे ही पता होगा। फिर भी यहाँ पे यार ये पक है, देखो अगर आप लोग के पास जेम्स अच्छे खासे होंगे तो आप टॉप 1 कर सकते हो भी। यहाँ पे तो पहले मैं 500 जेम्स डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ यार, ठीक है ना। अपने पास तो पड़े हुए यहाँ पे, तो दो बार इसको बॉक्स में ओपन कर लूँगा और एक नंबर पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो टॉप पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं डबल से इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है इसके अंदर तो कुछ नहीं मिलने वाला, भी पहले से स्टैगर अपने ओपन है। अब मुझे लग रहा है भाई टॉप 1 पे आ जाऊँगा मैं, यहाँ पे जेम्स गाला वाले में, ठीक है ना। यहाँ पे आ चुका भी इजिली, अगर चाहे बंदा डबल से आता तो डबल से करेंगे। यहाँ पे ये रिवॉर्ड है भाई, इसको भी इजिली मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो पक के 20 स्पेसेस मिले अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे यार ये बॉक्स क्यों नहीं ओपन हो रहे, अभी क्या क्लीच है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मतलब इसको ओपन तो कर ले रहा हूँ, बाद में गेम कट करके आ रहा हूँ ना जब ओपन हो रही है ऑटोमेटिक, तो ये भी गलत सीन चल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये वाला भी जेम्स गाला वाला दूसरा भी एक इवेंट है ये वाला। मतलब डेली रश, डेली गेम प्ले करके आप लोग यहाँ पे भी टॉप 1 कर सकते हो, और इजीली जो पक के जो पॉइंट्स है उसको भी कलेक्ट करके भी अपने जो पक है वो ओपन कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं भी निकालने का ट्राई करूँगा और यहाँ पे खेलने की कोशिश करूँगा। तो चलो गाइस अभी गेम प्ले भी आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे तो पक तो भाई बहुत सही दिख रही है, अभी खोपड़ी वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों खोपड़ी वाली पक है कोई नहीं, चलो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ और थोड़ा सा गेम प्ले भी करते हैं। और चलो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेनू में भी आप लोगों को बहुत चीज़ मिलने वाली है डेली रश पे। मतलब अगर आप गेम प्ले करोगे तो ये भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आने वाले भी, कैरम चैंपियन पार्थ वाला ये भी इवेंट बहुत जल्द आने वाला है, तो इसको भी अपन देखेंगे भी। मतलब 4-5 घंटे में ये वीडियो में डाल दूंगा, तो इससे पहले आ सकता है ये इवेंट, ठीक है ना। मतलब मैं सुबह में मना रहा हूँ और 12-1 बजे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा वैसे। तो चलो गाइस अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैग ले लेता हूँ वीडियो को। और भाई ये यार ये जो ऐड वाला है ना भाई, क्यों यार ऐसा करते हो यार, कौन देखेगा भाई इतने ऐड। मतलब 900 पॉइंट्स कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक वीडियो के आप लोगों को मिलेंगे 30 या 25 पॉइंट वॉच करने के, ठीक है ना। मतलब कौन करेगा अभी इतना इवेंट कंप्लीट, उससे अच्छा पक होना ही नहीं मुझे, तो तुम्हारे पास ही रखो तुम्हारी पक। तो यहाँ पे भाई जो गेम प्ले आप लोग देख सकते हो लग चुका है पहला, और पहला ही ब्रेक टू मैच देखो किस तरह से करता तुम्हारा भाई। तो टॉप लेवल में इसको पोर्ट करूँगा, यहाँ पे अच्छे खासे कॉइन्स ओपन कर लूँगा। अब मुझे लग रहा है भाई पहले कनेक्शन मारूँ जोर से, वो भी कुछ कॉइन और भी ओपन हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो यहाँ पे भाई कॉइन्स तो ओपन नहीं होते, स्टैगर फॉल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते थे, पर यहाँ पे कोई नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टॉप लेफ्ट में इसको बोर्ड करता हूँ। और मुझे लग रहा है भी अभी रेड वाली क्वीन को थोड़ा सा निकालने की कोशिश करना चाहिए हमें, पर रेड वाली क्वीन नहीं निकलती, अभी नाम नहीं लेती निकलने का। पर यहाँ पे मेरे पास एक और शॉट है ये वाला, मतलब इससे पूरे खानदान ओपन हो जाएंगे उसकी, ठीक है ना। तो पहले मैं इससे ट्राई करता हूँ और यहाँ पे इसको पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। पोर्ट तो हो जाती है, पर रेड वाली क्वीन भी थोड़ी सी ओपन हो जाती है। तो रेड वाली क्वीन को टॉप लेफ्ट में और यहाँ पे टॉप राइट में, सॉरी, और टॉप राइट में जो ऊपर वाली कॉइन है उसको पोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बंदा ही भाग जाता है, मतलब 120 की स्पीड से निकलता है भाई ये। तो यहाँ पे अपन ब्रेक लगा लेते हैं, अच्छे खासे दो कॉइन स्पोर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में टॉप राइट में इसको मार लेते हैं। और इसको मारे बाद मुझे लग रहा था भी यहाँ पे जो गेम है मेरा इजीली हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे कॉइन्स मेरे ओपन हो चुके हैं और 3 कॉइन 2 शॉट में पोर्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले टॉप लेवल में इसको पोर्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे लग रहा था अभी एक और कॉइन है ये वाली मेरे पास, तो इससे कुछ और कॉइन निकाल सकूँ तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा काम, और भी बहुत ही बढ़िया कॉइन हो जाता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है भी रेड वाली क्वीन को दबा के एक कॉइन को अपन पोर्ट कर सकते हैं टॉप राइट में, और पोर्ट भी कर लेता हूँ। तो रेड वाली क्वीन को भी मैं टॉप राइट में पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है भाई इस वाले स्ट्रेट कट मार के इसको भी इजीली मैं पोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको पोर्ट कर लूँगा और ये गेम नहीं कि भाई इजीली मैं विन कर लूँगा। यहाँ पे इसको बैलेंस के साथ खेलना पड़ेगा टॉप लेफ्ट में। और ये बंदा हंस रहा था, मुझे नहीं पता क्यों हंस रहा था, अपने हार पर हंस रहा था शायद, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ पे आ चुके अपन नेक्स्ट गेम प्ले पे, इसको ब्रेक टू मैच करेंगे अपन। ध्यान से देखना आप लोगों ने किस तरह से करूँगा। तो इजीली एक कॉइन तो मैं पोर्ट कर लेता हूँ टॉप राइट में, इसको भी पोर्ट कर लूँगा। इससे अच्छे खासे कॉइन्स अपने ओपन भी हो जाएंगे, और ओपन भी हो जाते हैं फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाली कॉइन को नहीं कि थोड़ा सा रिबॉन शॉट खेलने का ट्राई कर रहा था, पर कॉइन्स थोड़े से रास्ता रोक के रखे थे अपने कॉइन्स का। तो मैं यहाँ पे पहले इस वाली कॉइन को खेल लेता हूँ पहले, और खेले बाद यहाँ पे मुझे लग रहा था भाई किशोर मारूँ क्या नहीं मारूँ, पर नहीं भाई इसको सीधे सीधा अपन टॉप फ्लिप में खेल लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता अपना ओपन हो जाएगा इस वाली कॉइन के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको ईजिली कॉइन्स अपने निकाल सकता हूँ, और भाई थोड़ा सा रास्ता भी क्लियर हो चुका है। तो मैं कट मार के यहाँ पे इस वाली गेम को भी ईजिली विन कर सकता हूँ। तो मैं टॉप फ्लाइट में इसको कट मार लेता हूँ, और भाई एक कॉइन फंसा के भी ले लेता हूँ, उसको निकालेंगे, टेंशन ना लेना आप लोगों ने। यहाँ पे मैं टॉप राइट में इसको खेलूंगा क्रॉस,
और भाई यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरह से कनेक्शन मारूंगा टॉप लेफ्ट में, और यहाँ पे इजीली एक कॉइन और फंसा लेता हूँ मैं। दोस्तों मैं तो गया यार काम से। अरे टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई है ना यहाँ पर। यहाँ पे देखो बंदा भी खुश हो रहा है भाई, उसको क्या लग रहा है भाई मेरे जो कॉइन्स है वो पोर्ट नहीं कर पाऊंगा भाई। भाई तुम जब गेम स्टार्ट कर रहे थे ना भाई, उससे पहले से खतरनाक कंडीशन को हैंडल कर रहा हूँ मैंने, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इस वाली कॉइन को तो मारना बहुत ईजी था, पर यहाँ पे गाइस क्या करता हूँ अब, यहाँ पे देखो ग्रे शॉट, अब गुस्सा भी हो रहा है बंदा भाई, होने तो वाला है भाई। किससे पाला पड़ा आपका, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा गाइस? हाँ ये कर लो पहले। तो चलो भाई अभी क्या करते हैं, इसको टॉप राइनो पोर्ट कर ही लेते हैं अब, और गेम को भी ख़त्म करते हैं। किसके बाद का लास्ट गेम प्ले ज़रूर वॉच करना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो चलो भाई अब जाते हैं अब लास्ट और नेक्स्ट गेम प्ले पे। यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत ही फनी गेम प्ले देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बंदा भी अलग ही शॉट खेलता है भाई। क्या पता नशे में था या क्या था भाई, मतलब मेरी कॉइन पोर्ट कर लेता है उसकी कॉइन निकालता नहीं है। मतलब यार गाइस उसको क्या लग रहा था भाई, मैं अगर चाहे उसकी कॉइन पोर्ट कर लूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, पर इसको नहीं पता भाई किसके साथ पाला पड़ा है। तो मैं यहाँ पे टॉप लेन में कनेक्शन जा रहा था, उसको ईजिली मार लेता हूँ, और भाई ऑलमोस्ट कॉइन तो ओपन कर ही लिया मैंने, और टॉप राइट में इसको मार लेता हूँ, पोर्ट तो हो चुकी है भी इजीली। अब मैं क्या करूँगा इस वाली कॉइन को थोड़ा सा नहीं कि थोड़ा सा क्रॉस खेल के नहीं क्या, अपने जो कॉइन है दोनों भी उसको भी निकाल लूँगा, और निकाल भी चुका हूँ। यहाँ पे मैं टॉप राइट में इसको मारता हूँ, ऊपर वाली कॉइन भी ओपन हो जाएंगी अपनी, और फाइनली पूरा गेम ओपन हो चुका है। तो थोड़ा सा आराम से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से खेलेंगे, ठीक है ना गाइस। अभी मैं क्या करूँगा रेड वाली कॉइन को पहले पोर्ट कर लूँगा, और इसको पोर्ट करे बाद क्या करूँ, पहले ऊपर वाली मारूँ कि नीचे वाली? पहले ऊपर वाली पोर्ट कर लेता हूँ और कवर भी कर लेता हूँ रेड वाली कॉइन का। बस गाइस ये वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो पसंद आएगा जरा भी यार वीडियो को जरूर लाइक करना, आपको पता है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कल एक और वीडियो के साथ मिलता हूँ आप लोगों को, तो अभी के लिए बाय गाइस और टेक केयर।